मलिशियस प्रोसिक्यूशन का कानून वो नहीं लाते हैं, जुडिशरी के सामने लोग हुआ अक्षरधाम में जो बरी हुए डेथ रो में रहकर, जब उन्होंने लगाया कि हमें मुआवजा दिया जाए और जिन्होंने ये किया उनको अकाउंटेबल किया जाए, उनकी केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया। तो ये एनालिसिस जो है इसमें हमको देखना होगा कि जो अदालतों का भी क्या रोल, अगर पुलिस पर कोई रोक लगा सकता है तो वो केवल अदालत है, और अगर अदालत मानती रहेगी कि स्टेट जो कह रहा है वो सच है और सही है, पुलिस की जो इम्प्यूनिटी है वो जरूरी है इस तरह की पॉलिटिक्स स्टेट के राज्य के करने के लिए, और वो इम्प्यूनिटी बहुत देर से उसने घर कर रखा है, उसकी कोई जवाब नहीं। भाषा, मैं सबसे पहले तो इस पूरे कार्यक्रम किताब के लिए हमें राजेंद्र चौधरी जी और गुलमोहर को बहुत शुक्रिया दूंगी कि इस तरह की किताब को आप हमारे बीच में लेके आए हैं हिंदी में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होना ताकि एक बाकी की ऑडियंस के सामने भी, रीडरशिप के सामने जा सके, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं कानून से मेरा संबंध है, अदालत से संबंध है, इसलिए उस पर ही थोड़ा बात करूंगी। बाकी बातें रखी गई हैं और जिन लोगों का उसका ज़्यादा अनुभव है उन्होंने बात करी है। आमिर की किताब और कई साथियों की किताब है, एक और किताब याद आती है, अरुण फरेरा ने अपनी किताब लिखी थी कलर्स ऑफ अ केज, जब वो पहले बंद थे फिर उसके बाद उनको दोबारा भीमा कोरेगांव में बंद किया गया, अब वो बेल पर उस पर है। ये किताबें कानून को कटघरे में हमारे सामने रखती हैं, पूरे जुडिशल सिस्टम का, अदालत का, हमारी जमहूरियत में काम है अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का, कोई गुनाह करता है, कोई गलत करता है, सरकार गलत करती है, इंडिविजुअल गलत करता है, उसकी जवाबदेही के लिए ये पूरी न्याय प्रणाली बनी हुई है। मगर जब हम यहाँ पर बात कर रख रहे हैं, सुन रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अन्याय के खिलाफ जिन्होंने बात करी है, संघर्ष करा है, जो आज जेलों में बंद है, तो वो सब हमको दिखाता है कि यहाँ पर जवाबदेही तो शायद न्याय प्रणाली की होनी होगी, न्याय प्रणाली को। और जब हम न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो वो उसमें पुलिस भी आती है, प्रोसिक्यूशन भी आती है, पूरा कानून आता है और पूरी जुडिशल सिस्टम आता है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी जवाबदेही कहाँ है। तो ये सवाल मुझे लगता है हमारे बीच में उठना बार बार बहुत ज़रूरी है, और ये सवाल लोगों के अनुभव में कई सालों से इस पर बात हो रही है, पर उसको एक केंद्र बिंदु बनाकर उठाना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई एक ऑर्डर अच्छा आ जाता है तो ऐसे हम लोग को लगता है देखिए जुडिशरी ने कर दिया, कमाल कर दिया, जस्टिस हो गया, आज भी इंसाफ मिल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा एक पर्सपेक्टिव, सिस्टमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जो सोशल मीडिया उसके लिए बहुत बुरी जगह है और वो ही आजकल पूरा ओपिनियन को फॉर्म कर रहा है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस हो रहा है उस पर सवाल उठाना, क्योंकि ये सब जो केस है ये एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं और हर कहानी में स्पेशल डायमेंशंस भी हैं। अभी मैं आमिर को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, लगता जब से आमिर अनहद में जब काम कर रहे थे तब से हम लोग, और फिर और जब मैं कुछ केसेस कर रही थी तो उसमें आमिर तो अब हमारे साथ जुड़कर उन केसेस में, क्योंकि उनको अदालत की भी समझ है, उनको मालूम है क्या क्या वहाँ संकट है, तो जब बहुत मुश्किल केस करते हैं तो आमिर अब हमारे साथ जाते हैं मदद करने के लिए। तो हर एक में एक अलग डायमेंशन भी है और वो याद रखना बहुत ज़रूरी। अभी हम जब बात कर रहे थे तो कि सिर्फ आईपीसी था,
तो मैंने कोई टाटा वाटा नहीं लगा था, तो मैंने आमिर को कहा मगर तुम तो मुसलमान हो तो कानून बदल जाएगा, कानून का अप्रोच, कानून का रवैया आपकी तरफ बदल जाएगा क्योंकि तुम मुसलमान हो। तो गुनाह अलग बात है, आपकी पहचान पहले आपको कटघरे में खड़ी करती है और ये आज की हकीकत है। और इसके इसके इसको इससे दूर भागने में कोई फायदा नहीं, इसका इसका एनालिसिस और इसकी इसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। 19 केस आमिर के ऊपर लगे, लोग घायल हुए मरे, किसी के कोई विकलांग भी हुई महिला जिनका आपने जिक्र किया, बताया आपने हमें उनके बारे में, तो किसी ने तो ये विस्फोट किए थे, विस्फोट अपने आप नहीं होता। तो पुलिस ने एक्चुअली कभी किसी को जिसने किया उसको तो पकड़ा ही नहीं। तो ये जब पूरा एक एंग्जाइटी क्रिएट की जाती है सोसाइटी में, जो एक नॉर्मल बात है, जब अगर बम के विस्फोट होंगे बहुत जगह तो कोई भी आम नागरिक ज़रूर एंशियस होगा, क्राइम बढ़ेगा, एक एंग्जाइटी होगी। मुझे लगता है उसमें ये कहना कि मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिसिस देखिए स्टेट का और इसको हम सोसाइटी की एंग्जाइटी को नज़रअंदाज करते, तो वो अपने आप में मेरे हिसाब से एक अच्छा अपनी बात को आगे रखने का शायद कोई अच्छा तरीका नहीं होगा। तो वो बम विस्फोट हुए, लोग घायल हुए, वो बहुत बुरी बात है, गलत बात है, मगर पुलिस ने तो उनको कभी पकड़ा नहीं, सिस्टम ने तो किसी से पूछा नहीं कि आप अगर इतने आपका जो पुलिस का काम है आप इतना गलत कर रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को आप जेल में डाल रहे हैं और जिन्होंने किया उनको तो आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये तो आपके काम के ऊपर भी, आपकी शेयर कॉम्पिटेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। पुलिस का जो एक इम्प्यूनिटी है, यहाँ पर बात हो रही थी कि कुछ तरीके से हालात बेहतर हुए, मुझे लगता है कुछ तरीके से शायद कुछ जगहों पर सोच में ज़्यादा सफाई आई है। मैं ये नहीं मानूंगी कि सोसाइटी में, समाज में एक बदलाव आया है और समाज मानती है आज की पुलिस बेगुनाहों को अंदर रख रही है। मुझे लगता है हमसे शायद परिचित हमारे दोस्त इस बात को शेयर करते हों, मगर अगर आप अपने नेबरहुड में देखें या अपने पड़ोस में या अपने एक्सटेंडेड फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में देखें तो ऐसा कोई बदलाव नहीं है समाज में। समाज में आज भी ये है कि भाई पुलिस ने पकड़ा तो ठीक ही पकड़ा होगा, और ये कॉन्ट्रडिक्शन उनके दिमाग में रह सकती है, ऐसा नहीं है कि ये कोई लीनियर अंडरस्टैंडिंग किसी के दिमाग में ज़रूरी है। पुलिस की जो इम्प्यूनिटी है वो ज़रूरी है इस तरह की पॉलिटिक्स स्टेट के राज्य के करने के लिए, और वो इम्प्यूनिटी बहुत देर से उसने घर कर रखा है, उसकी कोई जवाब नहीं है। ये पहला केस नहीं है और ये आखिरी भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। परसों में दिल्ली हाईकोर्ट में फैजान की माँ की तरफ से मुकदमा की बहस कर रही थी। 2020 फरवरी में जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा शुरू हुई थी तो एक दो वीडियो वायरल हुए थे जिसमें मुसलमान लड़कों को पुलिस मार रही थी और जनगणमन करने के लिए मजबूर कर रही थी ताकि वो अपने नेशनल पेट्रियोटिज्म का सबूत दे। उसमें फैजान जो था उसको फिर मारपीट करने के बाद ज्योतिनगर थाने में बंद रखा, और जब वो ऑलमोस्ट मरने वाला था 25 रात को उसको छोड़ा गया और 26 को वो मर गया क्योंकि उसको इतने जख्म थे। 4 साल से हम दिल्ली हाईकोर्ट में पहले बहस कर रहे हैं इसके लिए एक SIT नियुक्त की जाए, क्योंकि क्राइम ब्रांच 4 साल से अभी कह रही है हम वो कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, हम वॉइस सैंपल ले रहे हैं, हमने अभी एक नई टेक्नोलॉजी मिली है वो कुछ और ज़्यादा हमें उसमें एम्प्लीफाई कर देगा वीडियो को, ऐसे तमाम टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हर रोज़ एक नया उनके पास नई कहानी होती है, हर तारीख से पहले बस हम अपने ढूंढने वाले। 4 साल से वो कौन पुलिस वाले थे वो अब ये वो नहीं मना कर सकते कि वो मरा कि उन्होंने पीटा, क्योंकि वो वीडियो सब देख चुके और उन्होंने वर्दी पहनी हुई।
तो ये कल की नमाज की की जो बात हुई आमिर ने रखी, पुलिस का कई समुदाय को करते हैं, आज मैं विशेष मुसलमान समुदाय की बात कर रहे हैं, पुलिस का मुसलमान समुदाय की प्रति क्या रवैया है और वो उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, ये लॉ में इसका इसको एक टर्म दिया गया है जो विच इमर्ज आउट ऑफ कि जो पुलिस का रवैया रहा है ब्लैक लोगों की तरफ चाहे यूके में और चाहे यूएसए में, तो उसको इंस्टीट्यूशनल बायस करके माना जाता है। ये इंस्टीट्यूशनल बायस हिंदुस्तान में पुलिस के अंदर है, इसका एविडेंस है, इसका डेटा है, ये किताबें, ये कहानियां, ये बातें, ये वीडियो उसका एविडेंस है। मगर क्या कोई पुलिस वाला वो कोई चिंता है कि भाई जिसने उसको पीट पीट के मार दिया वो आज भी पुलिस में वर्दी में है? हाशिमपुरा में जिन्होंने मुसलमानों को 1987 में मारा था और जिनको अक्टूबर 2018 में जाके दिल्ली हाईकोर्ट से सजा मिली, जब तक अक्टूबर 2018 में उनको सजा मिली थी उस दिन तक वो बंदूकधारी पीएसी के जवान बेल पर थे और वो ऑन ड्यूटी रहते थे। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल बायस है इसका एविडेंस है देश में, मगर कोई नहीं इंटरेस्टेड, ना पॉलिटिकल क्लास ना पुलिस लीडरशिप कि इस मामले में कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि वो एक तरह की राजनीति को और एक तरह के दबाव को, और ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये औरों के भी खिलाफ रहता है, उसको कैसे रखा जाए। एनएचआरसी ने शायद आमिर को एट सम पॉइंट कुछ मुआवजा दिया था, आज के एनएचआरसी वैसे मुआवजा भी देना बंद कर दिया है। तो वो जो एक टोकनिज्म था कि भाई गलत हुआ है, आज की तारीख में वो गलत शायद नहीं माना जाए, इसलिए इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। अब मैं जुडिशरी के बारे में बोलना चाहती हूँ। ये सब कुछ जो हो रहा है ये जुडिशरी से छुपा हुआ नहीं है, वो इसी यही रहते उनकी मर्जी है कि वो ये बातें सुने या ना सुने। ये किताबों को सबसे ज्यादा जरूरी दो लाइब्रेरी में होना चाहिए, पुलिस अकेडमी और जुडिशियल अकेडमी। हर स्टेट की जुडिशियल अकेडमी है और एक नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल में है, हर इसी तरह हर स्टेट की पुलिस अकेडमी है और नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में है। मुझे तो लगता है ये हमको बिल्कुल कोरियर करके एक कवरिंग लेटर के साथ भेजना चाहिए, क्योंकि ये बातें उनको पढ़नी होगी, ये उनकी मनमर्जी की बात नहीं है, ये एविडेंस है कि इस डेमोक्रेसी में आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, जजेस की ट्रेनिंग हम नहीं बोलते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, तो ये ओरिएंटेशन की सख्त ज़रूरत है। इस देश में मलिशियस प्रोसिक्यूशन का कानून नहीं है। आपने ये सवाल पूछा कि इतने झूठे मुकदमे और फिर बरी हो जाते हैं, 14 साल का कारावास आप खेल के आ रहे हैं, वैसे तो 14 साल के वनवास की बहुत बातचीत रहती है, तो उसमें आप किसी को क्या जिम्मेदारी मिलती है? कानून ही नहीं बनाएंगे, चलिए लेजिस्लेचर नहीं बनाएंगे। और ये भी हम ध्यान रखें कि आमिर जब उठाए गए थे तो ये वाली सरकार नहीं थी, ये स्टेट की फंक्शनिंग की बात है। और केवल हम अगर अपने पूरे ध्यान को इस तरह सीमित कर लेते हैं तो वहाँ पर हमारा एनालिसिस डगमगाता है, इसलिए मुझे लगता है ये बातों को ज़्यादा व्यापक रूप से समझना और उसका एनालिसिस करना, मुजम्मिल हमारे साथ यहाँ बीच बैठे हैं, अगर इस देश के लोगों ने कश्मीर पर ध्यान दिया होता तो जो पेलेट गन चली थी अब किसानों पर, वो पैलेट गन बहुत बार 2 दशक पहले कश्मीर में बार बार चली, हम लोगों ने एतराज नहीं किया, जुडिशरी चुप रही।
मलिशियस प्रोसिक्यूशन का कानून वो नहीं लाते हैं, जुडिशरी के सामने लोग हुआ अक्षरधाम में जो बरी हुए डेथ रो में रहकर, जब उन्होंने लगाया कि हमें मुआवजा दिया जाए और जिन्होंने ये किया उनको अकाउंटेबल किया जाए, उनके केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया। तो ये एनालिसिस जो है इसमें हमको देखना होगा कि जो अदालतों का भी क्या रोल, अगर पुलिस पर कोई रोक लगा सकता है तो वो केवल अदालत है, और अगर अदालत मानती रहेगी कि स्टेट जो कह रहा है वो सच है और सही है, क्योंकि आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और इससे मैं अपनी बात को ऑलमोस्ट खत्म करूंगी, आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस पर, किस बुनियाद पे खड़ा होता है, उस पर एक अजम्पशन है, और वो उस अजम्पशन के बिना काम नहीं कर सकता। कि स्टेट गुड फेथ में काम करेगा, स्टेट जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो सही होगी, जो चार्जशीट फाइल करेंगे वो सही होगी, इसलिए हम उसको ठीक मानकर उसके ऊपर से केस चलाते हैं। जब आपका पूरा एविडेंस दिखा रहा है कि गुड फेथ से स्टेट की एजेंसीज काम नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस सोच को बदलना पड़ेगा, और अगर उससे सिस्टम में वो सब में लोगों को परेशानी होगी कि फिर कैसे चलेगा, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल आज देश के सामने खड़ा हो चुका है, और देश के कई हिस्सों ने उसको बहुत टाइम से झेला है। आज वो बिल्कुल केंद्र में आकर हमारे बीच में वो सवाल आकर खड़ा हो गया है। साईं बाबा 10 साल बाद निकले हैं, क्योंकि केस में कुछ एविडेंस नहीं था। भीमा कोरेगांव के कई साथी मई 2018 से आज भी बंद है, जो एविडेंस उसमें है वो इसी तरह का है, और वकील बोल बोल के थक गए हैं कि वो एविडेंस इनएडमिसिबल है। आप एक दिन बोलोगे अदालत में कि इस पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, मगर अदालतों को भी ये बात मालूम है। ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई चीज समझ में आ गई जो मेरे से कहीं ज्यादा जानकार लोगों को नहीं समझ में आ रही है, मगर एक रुख है कि भाई कुछ तो होगा, और स्टेट कह रहा है, और ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देश में आज भी सिटीजन और ह्यूमन बीइंग का जो को जो तवज्जो दिया जा रहा है वो स्टेट से कम है, और वो चुनौती बहस करके एक जमहूरियत में एक बात को बदलने की है। एक और बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि बहुत सारी बात आजकल जुडिशरी में और अदालतों में टेक्नोलॉजी को लेके हो रही है, क्योंकि लग रहा है कि टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अदालत में जाना है सिर्फ अपना आईपैड लेके फाइलें दूरी उठा उठा के फंस गया हूँ, मैं बिल्कुल टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर टेक्नोलॉजी इंसाफ नहीं दिलवाई, और टेक्नोलॉजी कई लोगों को डिजिटल डिवाइस के कारण पीछे पिछड़ाएगी। हमारे जैसे वकीलों के पास रिसोर्सेज है इसलिए हमें अच्छा लगता है। एक बात आमिर ने बताई, इस तरह उनके वालिद हर तारीख पर, चाहे वो केस कहीं भी हो रहा है, सुबह से लेके रात तक वेट कर, तो कह शाम तक वेट करते थे जब तक जेल वैन वापस नहीं जाती। बार बार मीटिंग्स होंगी और उन मीटिंग्स में कहा जाता है बीसी के थ्रू अक्यूज का अपीयरेंस कराइए, इट्स मोर इफेक्टिव, इट्स वेरी एफिशिएंट, और कितना मैन पावर और रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, पुलिस वाले आने पड़ते हैं, हर बंदी को अदालत ले जाने के लिए पुलिस वाला चाहिए, अगर UAPA कोटा जैसा है तो ज़्यादा पुलिस वाले चाहिए, जेल वैन आएगी उसकी जगह लगाइए वीडियो और लगाइए वहाँ जेल में, उसको खड़ा कीजिए इधर, वकील इधर से देख लेगा, जज देख लेगा, और हियरिंग फटाफट फटाफट हो जाएगी, किसी की बेटी नहीं करनी, और कितना सारा स्टेट रिसोर्स मीडियम सेव कर लेंगे। ये स्टेट रिसोर्स वैसे है किसके लिए, कि किसके लिए हम बचा रहे हैं, वो मुलाकात जो सिर्फ वो तारीख पे हो पाती है, जो मुलाकातें जेल में होती हैं वो देखने लायक है, वो मुलाकात कितनी जरूरी होती है। ये जब हम टेक्नोलॉजी के जाल में बहुत खुश होके कूद रहे हैं आजकल, और अदालतों को लग रहा है कि टेक्नोलॉजी ने अचानक, वकील पेश हो टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, मगर
कुछ जगहों पर टेक्नोलॉजी का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल बुनियादी हकों के खिलाफ, और इसलिए केवल ये सोचना कि टेक्नोलॉजी ही अब हमें समझा देगी कि कहाँ से हमारा आगे का रास्ता निकलेगा, तो आगे का रास्ता तो कहाँ से निकलेगा ये बातें हमें किताबें बता रही हैं, इनके अनुभव बता रही हैं। जो नया भारतीय न्याय संहिता में बोला गया वो जुलाई से आ जाएगा, उनकी मर्जी है जिस दिन ऐलान कर देंगे वो आ जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में टेररिस्ट एक्ट को एक ऑफेंस बना दिया गया है, जो आज तक टाडा, कोटा, यूएपीए जैसी ऑफेंस लॉज जो एक्स्ट्रॉर्डनरी काउंटर टेरर लॉज माने जाते थे उसकी जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल वही परिभाषा है टेररिस्ट एक्ट की जो अब आपके भारतीय न्याय संहिता विच इज द न्यू पीनल कोड इंडियन पीनल कोड उसमें है। तो इस माहौल में जहां पर आपको ये दिख रहा है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उसमें इस तरह की परिभाषा डाल दी गई है, तो कहां पर ये कहानी हमें लेकर जाएगी और क्यों ये बहस बहुत जरूरी है और क्यों गठघरे में आज पूरे लीगल सिस्टम को खड़ा करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया।